तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार तिलगाम है, मैं बालाघाट जिला के बैहर तहसील का निवासी हूँ और वर्तमान में डिंडोरी जिले में पटवारी के पद में पदस्थ हूँ और पिछले 4-5 सालों से गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा हूँ और सतत अपना कार्य कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक है आज का कि समाज में युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए या फिर कोई तुर संस्कृति के माध्यम से या हमारे जो रूढ़ी प्रथाओं के माध्यम से ऐसे कौन से रोजगार हैं जिन्हें हम पुनः जागृत करके अपने युवा भाई बहनों को रोजगार के क्षेत्र में ला सकते हैं, क्योंकि वर्तमान दृष्टिकोण में हम देख रहे हैं कि शासन और प्रशासन किस हद तक नीचे गिर चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि वे हम लोगों को सरकारी नौकरियों में आने से तो नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारे युवाओं में हमारे भाई बहनों में इतनी काबिलियत है कि वे अपने दम पे परिश्रम करके सरकारी नौकरी पे आ जाते हैं, किंतु ये चीज़ें उनसे देखे के नहीं होती। कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो हमें आगे आते नहीं देख सकते, आप सभी जानते हैं उनके बारे में। तो अब उन्होंने क्या किया है कि जितने भी सरकारी सेवाएं हैं उनको ख़त्म कर दिया है ताकि हम इसमें आ ही ना सकें। तो इसलिए मैं अपने जो युवा साथी हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमें अब हर तरह के, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का रोजगार क्यों ना हो, स्वरोजगार, उसे हमें खुद से इम्प्लीमेंट करना है। मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे क्षेत्रों में ऐसे बहुत से संसाधन होते हैं जिनका उपयोग करके हम रोजगार उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे जो वन धन संपदा हैं जिनका उपयोग कर हम रोजगार अपना जनरेट कर सकते हैं, अपना रोजगार बना सकते हैं, तथा हमारे कुछ ऐसे फसल हैं जिन्हें हम सहज कर, यदि उनका सही तरीके से परीक्षण कर और तथा उन्हें पैकेजिंग करके मार्केट में प्रोवाइड करें तो वो बहुत अच्छे दामों में मिल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, कोदो कुटकी जो है वह मधुमेह के लिए बहुत ही कारगर उपचार है। इसे लोग 200-300 रुपए किलो तक खरीदते हैं, लेकिन जो हमारे कोयतुर लोग हैं जो इसे उगाते हैं वो इसका कितना दाम पाते हैं, 30-40-80 रुपये मैक्सिमम। यदि वो उसे किसी साहूकार के पास पहुंचाते हैं तो 30-40 रुपये मिलता है उन्हें, लेकिन वही साहूकार इसे साफ करके पैकेजिंग करके एक ब्रांड बना के 300-400 रुपये किलो के भाव में बेचता है। फिर दूसरा बता दूं आपको, अन्न एक हमारे बालाघाट ज़िले में होता है, कुर्थी की दाल होती है जिसे स्टोन के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। यदि आपको पथरी की समस्या है और आप उसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत जल्दी पथरी की समस्या से मिल जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिनका हम अपने कोयतुर युवा भाई बहन उपयोग करके अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे पास पुराने जो कोयतुर संस्कृति में हम पशुपालन का बहुत महत्व होता था, क्योंकि हम हमारे जो पेन शक्तियाँ हैं उनको अर्पण करने के लिए, उनको भेंट चढ़ाने के लिए पशुपालन करते थे तथा खुद के यूज़ के लिए भी हम पशुपालन करते थे, जिसे आज के क्षेत्र में हम बिल्कुल छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे लोग उसको अपना के उसे एक रोजगार पा रहे हैं। जी गाँव में आप चले जाइए आज, आपको बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। वहीं आप देख लीजिए तो लोग फार्म हाउस बना बना के अदर लोग इन सब चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं और हमारे लोग जाके उसे खरीद रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि क्योंकि पहले देखते थे, मैं अपने उदाहरण के लिए अपने घर के बारे में बता दूं, मेरी दादा दादी जब होते थे तब वो, मुझे याद है कि हम कुछ नहीं खरीदते थे, हम दाल घर में हो जाता था हमारे, हम सरसों घर में हो जाता था हमारे तो सरसों का तेल हो जाता था, मतलब मैक्सिमम चीज़ें हम हमारे घर में ही उगा लेते थे, जिस वजह से हमारे जो बोला जाए तो धन था वो पूरा सहज कह रखता था, पैसे कहीं बाहर यूज ही नहीं होते थे। तो इसी व्यवस्था को हमें पुनः लेके आना है कि घर पे भली हम टमाटर हो, भली सब्जियां हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम घर में ही उगा सकते हैं उन्हें हमें पुनः करना पड़ेगा, जिससे हमारे जो लोग हैं उनके पास में एक इनकम खुद सेव करके रखेंगे। आज देख लीजिए आप, हम सड़ी से सड़ी और छोटी से छोटी चीज़ों के लिए मार्केट पर आश्रित हैं। जब तक अभी वर्तमान में हमने कोरोना का समय देखा, महामारी का समय दौर देखा, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को आई जो पूरी तरह से मार्केट पे आश्रित हैं, क्योंकि व्यवस्था मार्केट तो पूरी तरह से बंद था। अब जब मार्केट बंद है तो चीज़ें कहाँ से आएंगी,
लेकिन वही हमारे लोग जो गांव में निवास करते हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें अपने पास सहेज के रखा, तो उन्हें उतनी समस्या नहीं आई। लेकिन वहीं पे ऐसे लोग जो एक वक्त कमाते हैं और एक वक्त खाते हैं, उन्हें सबसे बड़ी समस्या आई है। तो इसलिए मैं अपने सभी कोयतुर युवा भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का, पहली बात तो हम लोगों में दो चीज़ की सबसे बड़ी कमी है कि हम बिल्कुल भी अपनी बातों को किसी के सामने नहीं रख सकते, और दूसरी चीज़ किसी भी व्यापार में हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं खुद में, चाहे किसी भी प्रकार का। आप देखिएगा, एक छोटा सा चाय का ठेला हमारे किसी भी युवा भाई ने आज तक कभी चाय का ठेला नहीं लगाया। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे युवा भाई हैं अदर कम्युनिटी के जिन्होंने चाय को एक वर्चुअल ब्रांड बना के रखा है, और वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ एक चाय के स्टॉल के माध्यम से। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ों का स्टॉल लगाया था, और स्टॉल के माध्यम से धीरे धीरे वो आज एक उसे एक वर्चुअल ब्रांड बना के उसके माध्यम से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक वड़ा पाव करके ब्रांड है, सिर्फ वो वड़ा पाव ही देता है। एक डोसा का ब्रांड है, वो सिर्फ डोसा ही प्रोवाइड करता है, लेकिन वो आज उसी के माध्यम से करोड़ों रुपए कमा रहा है। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों में नहीं हैं। हमें शर्म आती है, मुझे समझ में नहीं आता कि हमें किस चीज़ की शर्म आती है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि ऐसा कोई भी साधन जिससे आपका परिवार और आपका पेट पलता है, वो चीज़ छोटी नहीं हो सकती। तो मैं सभी युवा भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि कैसा भी हो, चाहे आपको पोहे का स्टॉल लगाना हो, चाहे आपको किसी भी चीज़ को करना हो, लेकिन आप ज़रूर करें। CSC सेंटर होते हैं, आप गांव में अपना MP ऑनलाइन का सेंटर लगा लें आप गांव में। आज तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तकनीक को आप अपना हथियार बनाएं ना, उस तकनीक का उपयोग करें आप, और उसके माध्यम से रोजगार जनरेट करें। सभी आज के टाइम पे सभी के पास सोशल मीडिया का माध्यम है, आप यूट्यूब का वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। आप आज के टाइम पे लोगों के पास मोबाइल होता है, मोबाइल के माध्यम से आप फिनो बैंक के जैसे छोटे छोटे जो बैंक होते हैं उनमें अपना रजिस्ट्रेशन करके आप अपना खुद का रोजगार चला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रोजगार के साधन हैं जो हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो परिवार है ये आपको सिखाएगा, आपको समझाएगा। आप हमसे संपर्क करें, यदि किसी को मुझसे कोई किसी भी प्रकार की सलाह चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप बिल्कुल मुझसे परिचय कर सकते हैं। मैं बालाघाट जिले का मैं निवासी हूं, और वर्तमान में डिंडोरी में पदस्थ हूं, और आप किसी भी हमारे पदाधिकारी से हमारा संपर्क प्राप्त कर सकते हैं। और किस हद तक हमें व्यापार की शुरुआत करना चाहिए, और कितने कम से कम आय में हम व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, और कौन से व्यापार का शुरुआत कर सकते हैं, इसका पूरा तरह से हम आपका सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। बस इतना कह के मैं अपना वक्तव्य यहीं पे ख़त्म करूँगा। सभी को सेवा जोहार।